हेलो फ्रेंड्स, आज इस पैंडेमिक के दौरान जहां कोविड से सब जगह सब लोग परेशान हैं, आई एम श्योर कि आप में से कई लोग ज्यादातर टाइम इंटरनेट पे या फिर इंटरनेट के थ्रू अपनी जॉब्स को कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशंस बताऊं जो आपको डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आई एम श्योर दे विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं ईमेल से लेके इवन आपको मोबाइल फोन्स तक या इवन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेरी कॉमन FYI, इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर योर इंफॉर्मेशन। इवन ईमेल को फॉरवर्ड करते टाइम भी FYI लिख दिया जाता है कि ये मेल आई थी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन। नंबर टू POC, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपने जॉब ज्वाइन की, मैंने आपसे कहा ऑल राइट थैंक यू, सो योर POC विल बी राधा। दैट मींस आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है राधा, आप सिर्फ उन्हीं से मिलेंगे, राइट। नंबर थर्ड POA, प्लान ऑफ एक्शन। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, मैंने कहा ऑल राइट सो व्हाट इज द POA। तो प्लान ऑफ एक्शन इतनी कॉमन एब्रिविएशन है, बहुत लोग यूज करते हैं, कभी आपको कोई दे तो अब आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वन EOW, दैट मींस एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ वीक। एंड ETA, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। इवन आपका ETA है 12 जून, दैट मींस आपका एस्टिमेटेड डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल 12 जून है, 10 बजे तक आ जाएगा। ये बहुत ही कॉमन शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है EOW। मैं आपको EOW, आई विल सेंड यू द रिपोर्ट बाय EOW, दैट मींस एंड ऑफ द वीक। देन होता है MTD, मंथ टू डेट। एंड बिल्कुल इससे मिलता जुलता है YTD, ईयर टू डेट। ये जनरली रिपोर्ट्स के केसेस में यूज किया जाता है। मैंने कहा प्लीज सबमिट योर YTD और मे बी सबमिट योर MTD, अब तक का जो आपका काम हुआ उसका मंथ टू डेट रिपोर्ट या फिर ईयर टू डेट, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से लेके इस डेट तक की रिपोर्ट। अब जैसे कि घर से काम करने की बात आएगी तो WFH को हम कैसे भूल सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम। कई जॉब्स में आजकल आपको Naukri.com से लेके और पोर्टल्स पे लिखा मिलेगा WFH अवेलेबल, दैट मींस वर्क फ्रॉम होम भी आप इस जॉब में कर सकते हैं। फिर आपकी जॉब से रिलेटेड, भाई डेफिनेटली आप जॉब तो करेंगे, अब उसमें क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कैसे वो आपको चेक करेंगे, वो चीज़ें कहलाती हैं KPA या फिर और उसके साथ साथ KRA। KPA मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस को हम इन पॉइंट्स के ऊपर, ये परफॉर्मेंस के पॉइंट्स आपकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेंगे, हम इसके ऊपर आपको ऑब्जर्व करेंगे। एंड KRA, ये आपके की रिजल्ट एरिया हैं। अक्सर ये दोनों वर्ड एक साथ ही यूज किए जाते हैं, दैट मींस व्हाट आर माय KPI या व्हाट इज माय KPI एंड व्हाट आर माय KRAs, राइट। तो KPI एंड KRAs इज अ वेरी कॉमन वर्ड। जॉब से रिलेटेड एक वर्ड आपको और पता होना चाहिए, CTC। इसको सैलरी भी कह सकते हैं, रेम्यूनरेशन भी कह सकते हैं, कॉमनली इसे CTC कहा जाता है, जिसका मतलब है कॉस्ट टू कंपनी। दैट मींस अगर मैंने कहा उसका 6 लाख का पैकेज है या उसका CTC 6 लाख है, दैट मींस जिसमें उसकी सैलरी तो 5 लाख के करीब है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें HRA या फिर हाउस रेंट अलाउंस से लेके और भी कुछ चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं, वो 1 लाख की हैं। मतलब टोटल कंपनी को जो उसकी कीमत पड़ती है वो पड़ती है 6 लाख, इसको CTC कहते हैं। तो कभी कोई पूछे व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड CTC, तो आपको पता हो आपसे सैलरी के बारे में। अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड RE, आप कई बार ऑफिशियल लेटर्स में लिखा देखेंगे कि RE, इसका मतलब होता है रेफरिंग टू। कई बार सब्जेक्ट वर्ड की बजाय बिजनेस लेटर में RE लिखा होता है, RE उसके आगे लिखा है परचेज ऑर्डर, यानी कि परचेज ऑर्डर डेटेड इतना, यानी कि मैं इस रेफरेंस के बारे में आपको वो ईमेल कर रहा हूँ। तो ईमेल में जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसके अंदर कई बार री भी लिखा जा सकता है, इवन हैंड रिटन लेटर्स के अंदर भी री लिखा होता है। देन कम्स B2B। B2B इज अ वेरी सिंपल बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि हमारी प्रोसेस जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है।
एंड द लास्ट वन CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर या मैनेजमेंट। CRM इतना कॉमन वर्ड है कि इनफैक्ट आपको कई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले भी पूछेंगे हम आपको CRM सॉफ्टवेयर आपका बना देंगे, या फिर आपको CRM एग्जीक्यूटिव की कोई ज़रूरत है या CRM मैनेजर की कोई ज़रूरत है। तो CRM एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। आई होप ये एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स आपको हेल्प करेंगी। अगर इन में से कुछ वर्ड्स आपके लिए नए हैं एंड इट एडेड सम वैल्यू, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड काइंडली शेयर इट विद ऑल द लाइक माइंडेड पीपल। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।